प्रेसिडेंट जिनपिंग की धमकियों के बाद ताइवान के रक्षा मंत्री चियो कुओ चेंग ने चीन को डायरेक्ट मैसेज दिया है। उन्होंने कहा कि ताइवान की फौज चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ताइवान की रक्षा के लिए सेना पूरी क्षमता से जंग लड़ेगी। चीन 2049 तक नंबर वन सैन्य शक्ति बनने के मिशन में जुटा है। इसी प्लान के तहत चीन ने 30 पूर्व ब्रिटिश फाइटर पायलट्स को हायर किया है। फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग पर चीन मोटी रकम खर्च करेगा। चीन के इस कदम से पश्चिमी देशों की चिंताएं बढ़नी तय हैं। ताइवान पर हमले की तैयारियों में जुटा चीन अब पीएलए के हथियारों को तेजी से अपग्रेड कर रहा है। इसी प्लान के तहत पीएलए के जवानों को QBU-191 और QJB-201 जैसी अपग्रेड राइफलों से लैस किया गया है। पीएलए का दावा है कि इन राइफलों से आमने सामने की जंग में युद्ध का पासा पलट सकता है। चीन ने ताइवान कैप्चर करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दावा किया कि चीन अब यथास्थिति रखने के मूड में नहीं है। ताइवान का शांतिपूर्ण विलय नहीं हुआ तो चीन मिलिट्री पावर के जरिए कब्जा करेगा। जिनपिंग ने भी ताइवान कब्जे पर यही इशारा किया है। यूरोपियन यूनियन के देश अब चीन के खिलाफ सख्ती बढ़ाएंगे। मिनिस्ट्रियल पेपर में चीन को यूरोप के लिए बड़ी चुनौती बताया गया है। ईयू फॉरेन सर्विस के सदस्य यूक्रेन और ताइवान पर चीन की हरकतों को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। विस्तारवादी चीन की नेवल फ्लीट का अब अदन की खाड़ी में मूवमेंट बढ़ रहा है। पेट्रोलिंग के बहाने चीन ने इस इलाके में कई मिलिट्री बेस तैयार किए हैं, तो समुद्री डकैती रोकने के नाम पर इस रीजन में पीएलए के युद्धपोतों का शक्ति प्रदर्शन भी जारी है। चीन की खस्ता हाल इकोनॉमी की पोल अब खुलने लगी है। तीसरी तिमाही की इकोनॉमी का डेटा अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। चीन में जीडीपी के आंकड़े आज ही जारी किए जाने थे, मगर सीसीपी की नेशनल कांग्रेस पर असर पड़ने के डर से जीडीपी के आंकड़ों को टाल दिया गया। अमेठी में बिजली की स्पीड से गोली दागने वाली AK-203 राइफलों का उत्पादन कुछ दिन बाद शुरू होने वाला है। 4 किलो वजनी AK-203 राइफल 1 सेकंड में 10 गोलियां दाग सकती है। इसकी एक मैगजीन में 30 गोलियां आती है। फिलहाल आर्मी के लिए 6 लाख राइफलें तैयार होंगी। दक्षिण कोरिया अब अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान से रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। पाकिस्तान और साउथ कोरिया के बीच बड़ी सैन्य डील भी हुई है। दरअसल पाकिस्तान ने दक्षिण कोरिया के कट्टर दुश्मन उत्तर कोरिया को न्यूक्लियर हथियारों की तकनीक बेची थी। ऐसे में साउथ कोरिया पाकिस्तान को साधने में जुटा है।